जब सर मैं भारत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उस फैक्ट्री मालिक का पैसा अपने हाथ से बांट रहे हैं, जो उनकी उम्र 16 साल 17 साल है, उसमें तत्काल उनको पहली बात तो नाबालिग उनके ऊपर लगाया जाए और उनके ऊपर कठोर से कठोर धाराएं लगे और ऐसी लोगों पर ऐसी धाराएं लगे कि दोबारा इस तरह का कोई हिम्मत न कर सके। ये साबित होता है कि पूरी तरीके से सरकार के दबाव में अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं और उसको बिना एनओसी का उसको चलाने का जो है कार्य कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। है बहुत ही दुनिया की बहुत दुखद घटना है कानपुर में, क्योंकि ये जो बच्चे काम करने वहां गए थे, मैं अभी जरिया गांव गया था और वहां के दो बच्चे दुखद मृत्यु जिनकी भी एक्सपायर हुए उनके घर में गया और वहां के घायल भी हैं जो हॉस्पिटल में अभी यहां पे हैं वो भी जरिया के ही हैं, एक बेटा वहां पे घायल है और एक दिन काम किया, एक व्यक्ति एक दिन काम किया और वो बेचारा नहीं घर आया और उसमें एक था जो दो दिन काम किया था वो तीसरे दिन नहीं आया। बहुत ही दुखद है, ये पूरी तरीके से सरकारी भ्रष्टाचार है, सरकार के पूरी मार्गदर्शन में सरकार के अधीन ये सारा कार्य हो रहा है। ये स्पष्ट संकेत आपको बताऊं इसलिए मुझे मिला कि अभी आपके लोगों के द्वारा ही मुझे जानकारी आई कि यहां के मंत्री जी के द्वारा जो कंपनी का मालिक है उसका पैसा मंत्री जी अपने हाथ से बांट रहे हैं। इससे साबित होता है कि पूरा का पूरा ये मंत्री के अधीन और सरकार के अधीन ये कारखाने चल रहे हैं जिसमें गरीबों की हत्या की जा रही है और उसको एनओसी फायर विभाग के डिपार्टमेंट के एनओसी तक उसके पास नहीं थी और मंत्री जी उनका पैसा बांट रहे हैं। सरकार का पैसा कब बांटोगे, कितने दिन तक आप इनके तलवे चाटेगी सरकार और सरकार पूरी तरीके से संरक्षण में रहकर ये आज ये कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य और हमारे नौजवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आज वहां 6-6 लोग मर गए और न जाने और कितनी घटनाएं इसमें घटी, कितने लोग मरे हैं, 6 लोग यहां रिकॉर्ड में आ रहा है, कई लोग घायल हैं, 2 अस्पताल में पड़े हैं बेचारे, उनको जनरल वार्ड में रखा गया है जो कि उनको बर्न यूनिट में रखना चाहिए। मैंने अभी वहां के डॉक्टर से सीएमएस से कहा कि तत्काल इनको ट्रॉमा सेंटर में ले जाए या यहां से इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, नहीं तो इनका इन्फेक्शन और बढ़ता चला जाएगा। हम सब लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं, हमारे यहां की लोकल कांग्रेस कमेटी ने उनको आर्थिक सहयोग भी कुछ किया है घायल लोगों को, जिलाध्यक्ष और इन्होंने निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी हम उनके साथ खड़े हैं, जहां भी उनको जरूरत पड़ेगी और भी किसी चीज की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी तन मन धन के साथ खड़ी है। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के अलावा और कोई भी नहीं आया, कांग्रेस के हमारे नेता कल भी खड़े थे, आज हम लोग आए और आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। कोई पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। शासन की ओर से सर जो मुकदमा दर्ज किया गया है सामान्य धाराओं में, तो ये क्या जायज है? अरे आप देख सकते हैं सामान्य धाराओं में, ये जब मंत्री जी स्वयं उस व्यापारी का पैसा बांट रहे हैं, जो बेचारे घायल है जो मरे हैं वो सरकार पैसा नहीं दे रही है, वो मंत्री जी आके बांट रहे हैं, इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से ये सरकार उनको बचा रही है, उनकी मदद कर रही है। इस नाते ये सामान्य धारा इन्होंने लगाया है। मैं आग्रह करूंगा कि निश्चित तौर से प्रशासन से कि उनको, अभी उसमें 2 नाबालिग बच्चे भी मरे हैं जो उनकी उम्र 16 साल 17 साल है, उसमें तत्काल उनको पहली बात तो नाबालिग उनके ऊपर लगाया जाए और उनके ऊपर कठोर से कठोर धाराएं लगे और ऐसी लोगों पर ऐसी धाराएं लगे कि दोबारा इस तरह का कोई हिम्मत न कर सके। अध्यक्ष जी, एक बात सामने आई है कि ये फैक्ट्री काफी दिन से संचालित थी, ये बिना एनओसी की चल रही थी, तो क्या प्रशासन की इसे लापरवाही नहीं मानेंगे या प्रशासन की कार्यशैली ऐसी मानेंगे कि जिसकी वजह से आज सब? प्रशासन नहीं, सरकार शामिल है भाई, मंत्री जी खुद बांट रहे हैं पैसा। जब सर मैं भारत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उस फैक्ट्री मालिक का पैसा अपने हाथ से बांट रहे हैं, तो साबित होता है कि पूरी तरीके से सरकार के दबाव में अधिकारी यहां काम कर रहे हैं और उसको बिना एनओसी का उसको चलाने का जो है कार्य कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। सरकार के संरक्षण में फैक्ट्री चल रही है।